नागपुर शहर के मशहूर बब्बू बिरयानी सेंटर के परिवार के साथ जमीन हड़पने वाली गैंग ने धोखाधड़ी की है। इस बात की जानकारी मिर्जा सलीम बेग इन्होंने पत्र परिषद में दी। गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में मिर्जा सलीम बेग ने उनकी पैतृक जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता मिर्जा नसीर बेग वल्द मिर्जा मुजिम बेग ने अब्दुल रहमान मोहम्मद कदीर से साल 1954 में गोरेवाड़ा में 13 एकड़ जमीन खरीदी थी और यह जमीन उनके परिवार के 9 सदस्यों के नाम पर है। साथ ही सभी दस्तावेज भी उनके पास ही हैं। लेकिन फिरोज अहमद अंसारी, शाहनवाज इस्माइल खान, मोहम्मद कादिर खान, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद वकील, मोहम्मद शकील व शाकिर हुसैन शेख और मोहम्मद सुभान ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस जमीन पर अपना अधिकार जताया है। ऐसे धोखाधड़ी होने का समझते ही मिर्जा सलीम बेग ने साल 2015 में पुलिस और जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन फिर भी इन लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर फर्जी रजिस्ट्री कर ली और जमीन पर अपना अधिकार बताया। सलीम बेग ने बताया कि जमीन का सौदा उनके पिता मिर्जा नसीर बेग ने 1954 में अब्दुल रहमान मोहम्मद कादिर से किया था और उस समय हुए व्यवहार के दस्तावेज भी उनके पास है। साल 1957 में अब्दुल रहमान मोहम्मद कादिर का निधन हो गया, जिसके बाद अब्दुल रहमान मोहम्मद कादिर के पोते 65 वर्षीय मोहम्मद सुभान ने दावा किया है कि सारे दस्तावेज फर्जी है और उन्होंने प्रशासन के साथ मिलीभगत कर 4 दिसंबर 2019 को रजिस्ट्री कर ली। इस संबंध में सलीम बेग ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों पर पहले से ही दुष्कर्म, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज है। इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग सलीम बेग ने प्रशासन से की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।